भाई लोग अपने अगले पार्टनर मिल चुके हैं, चाय पी मधुरे। हेलो हेलो ग्रैंड, चाय पी लो। और कुछ नहीं मिलता है भैया की मसालेदार चाय। स्टार्ट परहार कर गए। तो अभी ऋषिकेश पहुँचते हमें बज गए हैं रात के 2, और पौड़ी से हम निकले थे दोपहर के 2 बजे, तो अभी हो गए हैं लगभग 12 घंटे। तो अभी हम लोग एक होटल ढूंढ रहे हैं, भाई ढूंढ रहे हैं हमारा होटल। मेरा चैनल देखना उत्तराखंड स्काउट्स, ठीक है। तो अभी हम होटल की व्यवस्था कर रहे हैं, भाई हमारी मदद कर रहे हैं। तो दोस्तों कहानी ऐसी है कि रात के बज गए हैं 3, और ये है दुनिया का सबसे महंगा होटल, जिसकी की कीमत है एक रात की कतर रुपये चल रहा है लक्ष्य 3,500 रुपये इसकी कीमत है। साढ़े तीन हजार जिसको देख के जिगुड़ी झूर गई है लोंडो की। एक तो बाथरूम में चला गया है पैसे वसूल करने के लिए, और एक छुप रहा है। तो भैया रात के 3 बजे हमारे होटल का जुगाड़ हुआ है ऋषिकेश में, और सेवी भाई से हम उनके कमेंट लेंगे कि कैसा लग रहा है उनको ये होटल। सेवी भाई, होटल तो ठीक है पर बढ़िया बड़ी कमी। भाई सबसे बड़ी दिक्कत आलसी बंदों के साथ ये है ना कि सुबह के बज गए 9, भाई चलना है नहीं चलना है, उत्तर काशी के लिए निकले हो सालों, यहीं सो गए हो तुम। तो भाई लोग अभी अपनी ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है उत्तर काशी के लिए, अभी हम ऋषिकेश से निकल रहे हैं। मेरे साथ है योगेश भाई, सभी भाई और लक्ष्य भाई, जो अभी हमें मिल गए हैं हमारे हल्द्वानी के बंदे UK04। रुद्रपुर से हल्द्वानी से भैया, UK04 देख लिया मैंने। तो ये है हमारे ट्रेवलर भाई, माहौल बड़ा बोरिंग सा हो चुका है, लोग भात दाल का इंतजार कर रहे हैं, खाना कहाँ से आए और कुछ एनर्जी मिले शरीर को, तो खाना आ रहा है यहाँ से। लो बजट ट्रिप है तो खाना भी लो बजट होगा। भाई लोग पूरा आनंद आ रहा है ट्रिप का, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम ऋषिकेश में ही घूम रहे हैं, जबकि हम निकले थे उत्तर काशी। तो भाई लोग ये है आज की स्पेशल डिश, जो है उत्तराखंडी खाना प्योर पहाड़ी, और ये है खाने का तरीका। तो भाई लोग ये व्यू हमारा आता है नरेंद्र नगर की रोड पे जाने के बाद। अभी हम निकल चुके हैं ऋषिकेश से नरेंद्र नगर की तरफ, जहाँ से हमने जाना है उत्तर काशी। तो भाई लोग इस व्यू को एंजॉय करिए और मजे लिए इस व्यू के। तो अभी योगेश नोगाई, मैं और लक्ष्य पहुंच चुके हैं नरेंद्र नगर के पास। नरेंद्र नगर से हमारी यात्रा सुनो। और संसार पारम न तो हम त्रिशंकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम मनमोलो लिनी चारु गंगा लषद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूषु नेत्रम विशालम
प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम मृगाधीश चर्माम वरम मुंडवालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। ये है हमारा टिहरी डैम, यहाँ से स्टार्ट होता है माध गजरामन। तो भाई ये नज़ारा है, ये खूबसूरती है उत्तराखंड की। तो अब मैं क्या ही आपको बताऊँ, बस आप देख ही लो, नज़ारों का मजा लो। अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है और स्वर्ग क्यों कहा जाता है। अब मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, एक व्यू दिखाऊंगा, बस आप इसको देखो। मैं तो इसको देख के ना मतलब अंदर से ऐसा भर गया हूँ ना, मज़ा आ गया। अब मैं आपको भी दिखाना चाहता हूँ, देखो इसे।